कोई तो आवाज उठाए इस कमर तोड़ महंगाई के खिलाफ। हम नहीं तो कौन, अब नहीं तो कब। बाप सारा दिन मेहनत करके भी बच्चों के लिए दो वक्त की रोटी नहीं कमा सकता। इस मुल्क में गरीब के लिए कोई सोशल सिक्योरिटी नहीं, कोई पेंशन नहीं, कोई मेडिकल इंश्योरेंस नहीं, बच्चों के लिए मयारी स्कूल्स नहीं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं, सड़कें खराब, स्ट्रीट लाइट खराब, आबो हवा खराब, फल और सब्जियां जहरीली, अस्पतालों में इलाज महंगे और हर साल महंगाई में बेतहाशा इजाफा। टैक्स के नाम पर गरीब आवाम को लूटा जा रहा है। आखिर कब तक इस मुल्क की आवाम जानवरों से भी बदतर जिंदगी गुजारेंगे। मैं वतन अजीज और उसकी आवाम से इस्तेहसाल के बारे में सोचता हूँ तो खून के आंसू रोता हूँ। इसी आवाम ने पहले जनरल अयूब खान को चीनी महंगी करने पर घर बेच दिया था, आज क्यों खामोश है। फ्रांस की आवाम ने मामूली सी इजाफी टैक्स के खिलाफ भरपूर आवाज उठाकर हुकूमत को फैसला दोबारा वापस लेने पर मजबूर किया। अगर आवाम आवाज उठाए तो क्या नहीं हो सकता। मीडिया भी इस मामले पर आजकल बिल्कुल खामोश है, न जाने इनको किस चीज का डर है। हमें बताया जा रहा है कि करप्शन से पाक हुकूमत आ जाएगी तो महंगाई खुद ब खुद खत्म हो जाएगी, लेकिन ये क्या है, महंगाई और टैक्स डबल कर दिए गए। सिर्फ एक लीटर पेट्रोल पे अवाम से 40 रुपए टैक्स लिया जा रहा है। मुल्क के तमाम सरकारी इदारे छुरी लेकर कसाई बन गए हैं। मगर अब वक्त आ चुका है कि किसी शख्स की मोहब्बत और तकलीफ के बजाय इस प्यारे मुल्क और इस गरीब अवाम के बारे में सोचा जाए। मेरी इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिए ताकि मेरा ये पैगाम मुल्क के कोने कोने तक पहुंच जाए और हुकामे बाला जाग जाए। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तानी गरीब अवाम पाइंदाबाद। शुक्रिया।